मेडिकल एसोसिएशन ने अभी तक क्या गरीबों की मदद करी है बताएं। देखिए मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जो गरीब लोग ऐसे जिनके लिए खाने पीने की समस्या है उनके लिए 200 पैकेट भोजन सामग्री के बनवाए गए, जिनमें चावल, आटा, रिफाइंड दाल, आलू, जिसकी एक पैकेट की कीमत करीब करीब 309 रुपए आई। ऐसे 200 पैकेट हमने प्रशासन की सहायता से बांटने के लिए दिए हैं। आगे क्या? आगे भी हम लोग अपनी एसोसिएशन के माध्यम से और धन संग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं। जितना भी होगा, जितने भी संसाधन हम जुटा पाएंगे उसके हिसाब से और आगे भी सहायता करते रहेंगे। निश्चित रूप से अगर लोगों का मूवमेंट होता रहेगा, लोग चलते रहेंगे, इधर उधर आते जाते रहेंगे, तो इस बीमारी को कंट्रोल करने में काफी समस्याएं आएंगी। लोगों को निश्चित रूप से घरों में रहना चाहिए और सरकार पूरी तौर से कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है हर जगह की, हर प्रांत की, कि चाहे वो किसी भी स्तर का आदमी, किसी भी तरह का आदमी, गरीब है, मजदूर है, जिसको खाने की समस्या है, उसके लिए सरकार ने मदद कर रही है। टेलीफोन करने पर पुलिस वाले वहां पहुंच रहे हैं, भोजन सामग्री पहुंचा रहे हैं। ये बात जरूर है कुछ लोग नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा उन लोगों से निवेदन है कि कृपया इस आफत की घड़ी में सरकार का निर्देशों का पालन करें, अपने घरों में रहें, जहां भी हैं, जिस स्थिति में हैं वहीं बने रहें, ये कोरोना जैसी बीमारी से हम लड़ सकेंगे, इसे खत्म कर सकेंगे। यानी कि जो इस समय स्थिति है लॉकडाउन में, बहुत सारे लोग यानी कि जिनको खाना वगैरह नहीं मिल रहा है, बहुत सारे परेशान हैं, जिन जो रोज डेली कमाते हैं और डेली का यानी कि उससे अपना जीविका चलाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जितना यानी हर संभव जो प्रयास हो सके उनके लिए दिया जा सके वो करना चाहिए। सभी लोगों से अपील है जो जितना कर सकते हैं उतना जो वो कमी है तरीके से। एसोसिएशन के लिए अपने तरफ से अभी 11,000 रुपये का योगदान किया है और आगे भी अगर मुझसे जो हो सकेगा मैं करता रहूँगा, ठीक है। और लोगों से विशेष तौर से अपील है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से यानी कि पालन करें, घर से बाहर ना निकलें, जिससे कि ये पूरे जैसे किया जा रहा है ये पूरे तरह से सक्सेसफुल हो सके और डिजीज को बिल्कुल यानी कि फैलने से रोका जा सके। अगर इस तरह से जो बाहर से लोग आएंगे और बीच में गांव में जगह जगह पर जाएंगे तो वो वहां से डिजीज को स्प्रेड करेंगे, डिजीज की जो चेन को जो ट्रांसमिशन को बढ़ा देंगे। इसलिए यानी कि ज्यादातर लोगों से अपील है जो जहां पर रह रहे हैं वहीं रहें और इधर उधर यानी कि घर भागने की कोशिश ना करें। और प्रशासन को चाहिए कि अगर इस तरह के जो लोग आ रहे हैं तो इनको कहीं पर किसी जगह क्वारंटाइन में रखा जाए, जिससे कि यानी कि डिजीज को आगे और ना बढ़ा सके। यह है जो दूर गांव में गरीब लोग रह रहे हैं जिनके पास खाने की समस्या आ रही है और उनके लिए खाद्य सामग्री बांटी गई है, जैसे आटा है, नमक और दाल चावल ये सब दिए जा रहे हैं। इससे कितना सहयोग करा है आपने? मैंने 10,000 रुपए दिए थे वो। अच्छा, आगे जो करती है तो मैं और भी सहयोग कर अपनी एसोसिएशन के लिए सहयोग करता रहूँगा।